सो गाइज़, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 FZS F5 वर्जन 3 के बारे में, जो कि BS6 वेरिएंट जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है। कुछ दिनों पहले ये लॉन्च हो चुका था। बाकी वीडियो जो है अभी मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे BS4 के कंपैरिजन में। अभी BS6 में क्या कुछ अपग्रेड हुआ है, क्या फीचर्स अपग्रेड हुए हैं कॉस्मेटिक्स में और इंजन स्पेक्स में, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं इसमें क्या नए कलर ऑप्शन हमको मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले BS4 में हमको 3 कलर ऑप्शन मिलते थे, डार्क मैट ब्लू, मैट ब्लैक और ग्रे एंड शाइन ब्लू। अब यहाँ पर 2 कलर ऑप्शन और ऐड हो गए हैं, एक तो मेटालिक रेड और डार्क नाइट एडिशन। तो 2 कलर ऑप्शन और हमको अब इसमें मिलने वाले, मतलब मिल रहे हैं मार्केट में। और अब हम बात करते हैं इसके एक्शोरूम प्राइस के बारे में। तो BS6 FZ वर्ज़न 3 जो है वो आपको एक शोरूम पड़ेगी अराउंड 99,200 के अप्रॉक्स, और BS6 FZS वर्ज़न 3 जो कि FIA वो आपको पड़ेगी 1,01,200 के अप्रॉक्स। और BS6 FZS V3 डार्क नाइट जो एडिशन है, तो डार्क नाइट एडिशन का थोड़ा सा आपको ज़्यादा चार्ज पे करना होगा, 1,000 रुपये लमसम, तो वो आपको पड़ेगी 1,02,700 के अप्रॉक्स। तो ये इसकी एक शोरूम प्राइजेज़ हैं। कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई हमको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत सिर्फ साइड पैनल्स पे ग्राफिक्स में हमको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, जो नए कलर्स एड ऑन हुए हैं। बाकी कॉस्मेटिक्स में और कोई चेंज नहीं है। वही इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है, वही हेडलाइट है LED, वही टेल लैंप है, वही इंडिकेटर लैंप है। कोई चेंजेस हमको ऊपर से देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ सिमिलर ही रहने वाला है। सिर्फ अगर थोड़ा सा हम ज़्यादा ध्यान दें तो जो एग्जॉस्ट पाइप है वहाँ पर कुछ सेंसर लगा हुआ है, तो सिर्फ यही एक हमको बाहर से देखने को लगेगा कि भाई हाँ ये चेंजेस हुआ है इसमें नए BS6 वर्जन में। बाकी BS4 का जो है वही सेम सिमिलर रहेगा। तो गाइज अब हम बात करते हैं बाइक के इंजन की। तो यहाँ पर जो बाइक में इंजन है वो है 149 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। तो डिस्प्लेसमेंट लगभग वही है, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुए, बट यहाँ पर जो हॉर्स पावर है वो कम कर दिया गया है। पहले जो हमको मिलता था 13.2 हॉर्स पावर की पावर मिलती थी BS4 में, जो करके अब घटा करके कर दिए 12.4 हॉर्स पावर की पावर। तो यहाँ पर जो BHP पावर है या फिर हॉर्स पावर जो है वो अभी कम कर दिया है हमको। पहले जो मिलता था 13.2, तो वो अब घटा करके मिल गया है हमको 12.4। ये थोड़ा सा हमको पावर कम मिलेगी इसमें। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो पहले BS4 में जो हमको टॉर्क मिलता था 12.8 न्यूटन मीटर्स का, तो यहाँ पर ये बढ़ा दिया गया है। BS6 में अब हमको जो टॉर्क मिलता है 13.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो यहाँ पर टॉर्क जो है वो बढ़ा दिया है। बाकी BHP पावर जो है वो थोड़ी सी कम कर दी है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको हल्का फुल्का सा चेंजेस ही देखने को मिलेगा इंजन में। बाकी वही सेम सिमिलर 5-स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है और कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ जो पावर डिक्रीज़ करी है BHP पावर में, 0.8 जो है BHP पावर डिक्रीज़ हुई है, इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बाकी सारे फीचर स्पेसिफिकेशन इस बाइक में वही सेम सिमिलर रहने वाले हैं। तो गाइज़ ये था बाइक के पूरे फीचर स्पेसिफिकेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड।